नमस्कार, संवाद विशेष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार की राजनीति का जाना माना चेहरा उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र जी, राज्यसभा के सदस्य के तौर पे आपने सदस्यता ली है, तीसरी बार आप संसद में आ रहे हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसे पहला संदेश क्या देना चाहेंगे? जिन मुद्दों को लेकर हम पहले भी सदन में और सदन में जब नहीं होते हैं तो सड़क पे आवाज़ बुलंद करते रहते, फिर से एक बार मेरे ऊपर वह जवाबदेही आई है। चाहे आम जनता, गरीब लोगों का सवाल हो देश भर के लिए, लेकिन खासकर बिहार में जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल पाए, इस बात के लिए हम बहुत पहले से संकल्पित हैं, कोशिश हमारी रहती है। बिहार में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, नौजवानों के लिए रोज़गार, कृषि पर आधारित राज्य है तो किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, साथ ही साथ सोशल जस्टिस के प्रति हमारी विशेष प्रतिबद्धता हमेशा रही है और आगे बनी रहेगी। तो इन तमाम सवालों को लेकर फिर से एक बार सदन में आवाज़ बुलंद करने का अवसर मिला है, तो इस अवसर के कारण निश्चित रूप से अपने को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और आज शिक्षक दिवस भी है, जानबूझकर मैंने शिक्षक दिवस के दिन शपथ ग्रहण करना है इस बात का चुनाव किया। ऐसे चाहते तो कल भी कर सकते थे, लेकिन राज्यसभा सचिवालय ने विकल्प दिया था, हमने 5 सितंबर को चुना है। आज शिक्षक दिवस भी है, हम जहां शिक्षक दिवस के अवसर पे शिक्षा के प्रति जो हमारा संकल्प है उसको याद करते हैं, तमाम गुरुजनों के प्रति हम आदर का भाव व्यक्त करते हैं, साथ ही साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के चरणों में सर झुकाते हैं, साथ ही साथ आज बिहार लेलिन के नाम से जाने वाले शहीद जगदेव बाबू की शहादत का भी दिन है, तो इस अवसर पे उनको याद करते हुए सामाजिक न्याय के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसकी ताजगी को हम महसूस करते हैं। और ऐसे तमाम सवालों को फिर से एक बार उजागर करने का अवसर सदन में जाते हुए मुझको मिलेगा, इस जिम्मेवारी का एहसास मैं महसूस करता हूँ। नीति का आप जाना माना चेहरा हैं बिहार के, आप दोनों सदनों में रहे हैं, चाहे विधानसभा की बात करें चाहे विधान परिषद की बात करें, लोकसभा में आप रहे हैं, राज्यसभा में आप रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, बहुत जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं, जनता के प्रति आप लगातार संघर्ष करते रहे जनता के मुद्दों को लेकर। ऐसे में चारों सदनों के जो विषय रहे हैं, चारों सदनों में काम करने का जो अनुभव रहा है उसे आप कैसे देखते हैं, और बिहार के विकास के लिए केंद्र में राज्यसभा के मंच का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, कौन से पहले प्राथमिकता वाले मुद्दे आपके साथ रहेंगे जिनको सर्वप्रथम आप राज्यसभा के पटल पर उठाना चाहेंगे? देखिए, एक तो हम इस अवसर पे धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं क्योंकि यह अवसर उपलब्ध मुझको हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति, जेपी नड्डा साहब के प्रति और एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं के प्रति। जहाँ तक मुद्दा उठाने का सवाल है तो मुख्य रूप से जैसा कि हमने कहा कि शिक्षा कैसे बेहतर से बेहतर हो, स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, सामाजिक न्याय की बात, इन तमाम सवालों को हम उठाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी खुद लगातार संकल्प व्यक्त कर रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों में हम हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संकल्प है कि बिहार को हम विकसित राज्य बनाएंगे, तो इन लोगों के संकल्प के साथ अपने को जोड़ने का अवसर हमारे लिए है, तो इसके लिए जो भी मुद्दा उठाने की ज़रूरत हो बिहार के विकास के लिए हम उसको उठाने का काम करेंगे। और सोशल जस्टिस की बात जहाँ तक है उसमें कई विषय हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा विषय है आज सभी जगह सभी संस्थाओं में लोकतंत्र है, हमारा संविधान ऐसा है जो सब जगह लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी संस्था जिसको हम कह सकते हैं न्यायपालिका, उच्चतर न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वहाँ जजों की बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें लोकतंत्र नहीं है, वहाँ बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ यह बात कह रहा हूँ कि वहाँ समाज के सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहाँ महिलाओं की संख्या नहीं होती है,
वहाँ जो बहाली की प्रक्रिया है उसके कारण अति पिछड़ा समाज के लोग नहीं जा पाते हैं, पिछड़ा समाज के लोग नहीं जा पाते हैं, दलित समाज के लोग नहीं जा पाते हैं, और इतना ही नहीं सवर्ण समाज के भी जो गरीब घर के बच्चे हैं पढ़ने में मेरिट चाहे जितने भी उनके अंदर हो वह भी चाहे कि हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बन जाएं तो वहाँ संभव नहीं है। दरवाज़ा इन लोगों के लिए बिल्कुल बंद है, वहाँ दरवाज़ा खुला है सिर्फ जिनके परिवार के लोग पहले जज रहे हैं या बड़े पदों पर रहे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, पहुँच पैरवी वाले लोग हैं, उनके बच्चों के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, बाकी लोगों के लिए दरवाज़ा बंद है। तो यह बड़ा सवाल है, इस सवाल को हम पहले भी उठाते रहे हैं, इस बार मौका मिला है फिर उठाएंगे। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी, जिन्होंने बताया उनकी प्राथमिकता सदन में क्या रहेगी। कैमरामैन अजेंद्र कुमार के साथ सुरेंद्र कुमार, संसद टीवी।